राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने मेरी बेबी के लिए जो है उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है कल का, तो मैंने इसलिए इसके लिए ये बैग बनाया है। तो ये किड्स बैग है, तो आप प्ले से नर्सरी UKG वगैरह तक तो आप ये इस तरीके का बैग बच्चे को दे सकते हैं। बहुत ही बच्चा उसमें कंफर्टेबल भी रहेगा, बच्चे को अच्छा भी लगेगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा और भी इसको डेकोरेट करने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यूनिक सा बैग है, सबको बहुत ही पसंद आया है, आपको भी पसंद आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने देखिए 2 पीस क्विल्ट कर लिए है। ये मेरे पास एक पुराना सूट पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, तो मुझे अपनी बेबी, मेरी बेबी गर्ल है तो उसके लिए मुझे ये ठीक लगा प्रिंट में, तो मैंने उसी का यहाँ से कट करके 2 पीस क्विल्ट कर लिए हैं। और दोनों के मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ, सेम मेज़रमेंट है। तो 10 बाय 10.5 इंचज की चौड़ाई है और 13 इंचज की लंबाई है। आप थोड़ा अगर एक्स्ट्रा लेना चाहें तो आप 14 भी ले सकते हैं। तो ये 2 पीस मैंने ले लिए हैं और एक ये नेक्स्ट पीस है, तो इसका भी मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ और इसका यूज़ कैसे करना है, क्या आपको कहाँ पे लगाना है वो भी मैं बताऊँगी। तो देखिए इस तरीके से जो इसके मेज़रमेंट है वो भी 10.5 इंचज की चौड़ाई है और 7 इंचज की लंबाई है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें हमें सेम साइज़ की जिप लेनी है, यानी 10.5 इंच चौड़ाई की एक जिप लेनी है। उसमें एक रनर इंसर्ट कर लीजिए और इस तरीके से इसको जॉइन कर लीजिए। तो यहाँ से अटैच कर लिया है, अब इसको फोल्ड करते हुए अंदर की साइड यहाँ पे प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो मैंने लगा दी है, ऊपर से आपको कोई भी प्रेस स्टिच वगैरह नहीं लगानी है। अब इस तरीके से जो आपने ये 2 पीस लिए हैं 10.5 बाय 13 इंच के, वो आपको फोल्ड करके इस तरीके से रखना है। और देखिए यहाँ से राउंड शेप दे देनी है, तो अगर आप ज़्यादा राउंड शेप देना चाहते हैं तो ज़्यादा दे दीजिए, वैसे काफ़ी ज़्यादा भी नहीं देनी है। आपसे 2 से 2.5 इंच का ही कॉर्नर से आपको राउंड शेप लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ से राउंड शेप दे दी है। अब हम दूसरे पीस में भी इसी तरीके से रखते हुए राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ से आप कट कर लीजिए, देखिए दूसरे पीस को भी। फ्रेंड्स मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। अब इसमें आप अंदर राइस बैग भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कैनवस भी ले सकते हैं, फोम सीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रबर सीट ली है। तो देखिए दोनों पीस यहाँ पर रेडी हो गए हैं, और अब जहाँ पे जिस पीस में हमने जिप लगाई थी वो पीस हम इस तरीके से रखेंगे और उसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो ये हमने स्टिच कर दिया है। अब ये देखिए मेरे पास इसमें गले पे एक पट्टी थी, तो वो मैंने ली है और इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से 3 साइड से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरीके से जो हमारी जिप है वो भी दिखाई नहीं देगी और थोड़ा सा अच्छा लुक इस बैग में आ जाएगा। अब देखिए एक पीस लिया है, ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा था क्योंकि इसकी पट्टी कवर हो रही थी, तो मैंने ये कट करके छोटा कर दिया है। अब इसका यहाँ से मेज़रमेंट मैं बता देती हूँ, 5 बाय 10, एंड यहाँ पर 10 इंच है, 10.5 भी ले सकते हैं, वैसे 5 बाय 10 आपका चल जाएगा क्योंकि ऊपर से हमने राउंड शेप दी हुई है। इसको भी इसी तरीके से हम एक साइड से राउंड शेप दे देंगे, दूसरी साइड से हमें राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरी साइड से जब हम इसको स्टिच करेंगे ऑलरेडी अपने आप ही इसमें राउंड शेप बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से जिस तरीके की भी आप राउंड शेप देना चाहते हैं, गहराई में लेना चाहते हैं या डीपली लेना चाहते हैं या थोड़ा सा ऊपर की साइड, तो वो आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको रख लिया, जितना ऊपर आपको रखना है उतनी ऊपर रख लीजिए इस तरीके से, तो मेरी पट्टी कवर ना हो उतना मैंने रखा है उसको। और यहाँ पे मैंने पहले पाइपिंग से इसको फिनिश कर दिया है गोलाई को। तो पाइपिंग से फिनिश करने के बाद इस तरीके से दोनों पीस के सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर गोलाई में इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए गोलाई में इसको स्टिच कर रही हूँ, ये हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल दीजिए।
फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इजीली आप घर पर ही अपने बच्चे के लिए बैग बना पाएंगे। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको बैग कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इस फ्लैप को ऊपर की साइड यहाँ से सिक्योर कर लिया है ताकि ये हमारा नीचे सिलाई में ना आए। अब देखिए नीचे से जो पट्टी है, पट्टी से या फिर आप दोनों साइड के यहाँ से सेंटर से निकाल सकते हैं। तो पट्टी से 2 इंच ऊपर रखते हुए मैंने यहाँ से कट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे भी जिप ज्वाइन करनी है, जिप अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच लगा लेंगे। अब हम दूसरा पीस लेंगे, उसको रखेंगे, उसको भी यहाँ से अटैच करेंगे। अब इसको भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए रखेंगे और प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो ये जिप तो हमारी यहाँ पर लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमें अगर थोड़ा सा डेकोरेट करना है, किड्स टाइप का बैग बनाना है, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे एक फेस का यहाँ से दे देंगे लुक। तो देखिए मैंने ऊपर आइज बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आइज बना ली है, माउथ मैंने बना लिया है, और इस पर मैं बाद में जो है ब्लैक कलर के कपड़े से इसका माउथ और आइज नोज यहाँ पे बना लूँगी, इस पर चिपका लूँगी ग्लूगन की हेल्प से या फिर फेविक्विक वगैरह की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको चिपका लूँगी। अब देखिए मैंने दूसरा एक फैब्रिक ले लिया है, और ये फैब्रिक को इस तरीके से नीचे रखते हुए ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे इस पार्ट में पूरे पे चारों तरफ। तो ये मैंने देखिए स्टिच कर ली है। तो इससे हमारी एक पॉकेट, बड़े वाली पॉकेट रेडी हो गई है। इसमें आप बच्चे की डायरी वगैरह या छोटे मोटे जो आपकी कॉपीज होती है वो रख सकते हैं, और नीचे वाली में जो छोटे वाली है उसमें पेंसिल बॉक्स वगैरह आप रख सकते हैं, कलर पेंसिल वगैरह रख सकते हैं, बच्चे की ड्राइंग की चीज़ें। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी दी है और 35 इंच लंबाई की दी है। तो 35 इंच पे यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। इसको निशान सीधा करके मैं 35 इंच लंबी पट्टी निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने तो ये देखिए ये मार्क मैंने कर दिया है। और अब इसको कट करना है, ये मैंने कट कर लिया है। और अब पूरी स्ट्रैप को इस तरीके से फोल्ड करना है, ये मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद जो खुली साइड है वहाँ से इस तरीके से हमें 10 इंच पे मार्क करना है, पूरा सीधा इस तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ से 10 इंच, और यहाँ पर इस तरीके से इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब जो मार्क है उसको हमें पूरा कट कर देना है। तो हमें जो खुली साइड से 2 पीस मिले हैं वो हमें अलग रख लेने हैं, और जो ये 1 पीस हमें मिला है उसको हमें बीच में से कट करना है, ये ध्यान रखना है। आप चाहे बीच में से भी या फिर ऊपर नीचे से, मतलब किसी भी एक साइड से भी कट कर सकते हैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो मैंने सेंटर से कट कर दिया है। अब सेम साइज़ की जिप लेके इसको अटैच कर देंगे। तो जिप को अटैच कर लिया है। अब जो 2 बाकी पीस हमें कटिंग करके मिले थे तो उनको हमें अटैच करना है दोनों साइड इस तरीके से। तो मैंने अटैच कर लिया है, प्रेस स्टिच भी लगा ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, और अब हम लेंगे दूसरे वाला पीस जो हमें बनाना है, यानी कि बैक पीस जो बनाना है उसको हमें सेंटर से मार्क करना है ऊपर की साइड से इस तरीके से। अब मैंने ये दोनों स्ट्रैप पहले से ही रेडी कर ली है। अगर आप स्ट्रैप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने और भी बैग्स की वीडियो डाली हुई है, उनमें से मैंने स्ट्रैप को लगाना अच्छे से बताया है और बनाना भी बताया है कि कैसे आपको क्लिप्स में इंसर्ट करके इस तरीके से आपको बनानी है स्ट्रैप और लगानी है। अब ये मैंने एक और स्ट्रैप ली है जिसकी लंबाई 7 इंच है, और इस तरीके से रख देंगे, जो कि बैग होल्डिंग के लिए मैंने ली है। अब इस तरीके से हमारे दोनों फ्रंट और बैक पीस रेडी हो गए हैं। अब इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। एक पीस का हम सेंटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसका भी हमने सेंटर देखिए निकाल लिया है, और जो पट्टी हमने तैयार की थी उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर हमें दोनों साइड से निकालना है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से मैंने सेंटर को निकाल के मार्क लगा लिया है। अब दोनों के सेंटर से सेंटर मार्क को मिलाते हुए रखना है और स्टिच करनी है। जिस तरह से स्टिच हम एक साइड करने वाले हैं अब मैं करके आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी और मैं जल्दी ही आपके साथ 1-2 दिन में ही बच्चे की वाटर बॉटल या मिल्क बॉटल के लिए भी कवर बैग की वीडियो डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिए इस वीडियो को भी, और देखिए पूरा फाइनल लुक भी मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ कि क्या आने वाला है। वैसे मैंने पहले भी दिखा दिया था, अब इसी तरीके से दूसरे पीस का भी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए तीनों तरफ स्टिच कर लेनी है। तो ये जॉइन हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। ये मैंने कट कर लिया है। अब बेस के लिए भी हमें एक पट्टी बनानी है, क्विल्ट करके लेनी है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ले ली है, पहले से ही मेरी बड़ी पट्टी बनी हुई थी तो एक्स्ट्रा लिया हुआ था। अब जो आपकी चौड़ाई बैग की ली हुई है उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है, यानी 10.5 थी तो यहाँ मैंने 11 इंच पे ले लिया है। और जो पट्टी की हमने चौड़ाई ले रखी है वो तो 4 इंच है ही, तो आपको 11x4 इंच की यहाँ से स्ट्रैप ले लेनी है। तो मैंने ये 11x4 इंच की रेडी कर ली है और अब आपको इस तरीके से रखना है और पहले दो साइड आमने सामने वाली साइड सिलाई लगानी है, फिर बाकी की जो दो साइड है उन पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको सिलाई कैसे लगानी है। तो देखिए इस तरीके से पहले बड़ी साइड में सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है बड़ी वाली साइड आमने सामने। अब दो साइड बची हैं छोटे वाली, इन पे भी इस तरीके से दोनों साइड से हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब रफ एंजिस पार्ट जो है उनको क्लियर कर लेंगे पाइपिंग करके। ज़रूरी नहीं है आप कपड़े की पाइपिंग करें, शॉपिंग बैग की पाइपिंग बहुत ही अच्छी होती है, आपको दोनों तरफ से अलग अलग सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोल्ड करके एक बार में ही दोनों साइड रखते हुए आप स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं तो बेस भी काफ़ी अच्छा बना है, आप इसमें लंच बॉक्स भी दे सकते हैं और बच्चे की बुक्स भी दे सकते हैं, और डायरी वगैरह भी अलग आ जाएगी, और बच्चे के पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, जो भी सामान होता है छोटा मोटा वो भी आ जाएगा। और जो हमने इसकी आईज और नोज़ बनाने के लिए मार्क लगाए हैं उस पर भी आप ब्लैक कलर का और वाइट कलर का कपड़ा लेके उसको आप ग्लू गन की हेल्प से या फिर आप किसी भी ग्लू की हेल्प से, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से या फेविक्विक की हेल्प से चिपका देंगे तो फाइनल लुक देखिए ऐसा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।